तो चलिए गेटवे ऑफ टेली की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फिलहाल ऊपर में ये डेटा वगैरह है, बट फिलहाल हम लोग ये नहीं देखते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ये गेटवे ऑफ टेली है ये जो है, और यहाँ पर जो आपकी कंपनी नेम ऑफ कंपनी ये जो है, आपकी जो कंपनी में आप काम करोगे वो होगा। डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लास्ट एंट्री की डेट होती है वो होता है। फिलहाल यहाँ पर कोई एंट्री की नहीं गई है आपके सामने, मैंने ये कंपनी क्रिएट की है। अभी हम लोग धीरे धीरे इसमें हर चीज़ डालते जाएंगे। यहाँ पे करंट पीरियड है, अभी करंट पीरियड सिलेक्ट करने का यहाँ पे देखिए राइट साइड में F2 है, ये डेट सिलेक्ट करने के लिए होता है जब आप एंट्री करते हो। और ऑल्ट F2 एक शॉर्टकट है, Alt F2, तो आप यहाँ से पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। अभी हम लोगों का ये 1/4/23 से 31/3/24 का ही पीरियड है यहाँ पर, तो फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट Alt F2 इसका शॉर्टकट है पीरियड चेंज करने का। तो जब आपकी कंपनी 2 साल 3 साल हो जाता है और आपको पिछले साल में जाके देखना है, तो आप Alt F2 करके चेंज करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप जब आते हो तो यहाँ पे आपको F2 डेट के लिए है और Alt F2 पीरियड के लिए है। ये जो नीचे लाइन है एक, इसका मतलब ऑल्ट होता है। ऑल्ट करके आपके कीबोर्ड पे एक की होती है, तो Alt ALT करके होता है, उसको ऑल्ट बोलते हैं। तो Alt F2 यहाँ पे जब एक सिंगल लाइन होगी तो वो ऑल्ट होता है, और जब डबल लाइन होती है वो कंट्रोल होता है। तो ये टैली की लैंग्वेज है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल लाइन है तो ये कंट्रोल है। यहाँ पे F3 सिलेक्ट कंपनी के लिए Alt F3, एक लाइन मतलब ऑल्ट हो गया, और कंपनी शट करने के लिए Ctrl F3। यहाँ पे डबल लाइन, जो F3 के नीचे डबल लाइन है उसका मतलब कंट्रोल है। तो टैली की लैंग्वेज इस तरह की होती है, डबल लाइन को कंट्रोल बोला जाता है और जो नीचे एक ही अंडरलाइन होती है उसको ऑल्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट में जाते हैं, यहाँ पर हम लोग मास्टर्स में स्टार्टिंग में गेटवे ऑफ टैली में जो यहाँ पे क्रिएट दिया हुआ है, क्रिएट में अकाउंटिंग मास्टर्स है, स्टार्टिंग में ही ग्रुप है, ग्रुप में चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, फिलहाल लेजर में चलते हैं। यहाँ पे आप तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। जो अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जाइए, ग्रुप क्रिएट करिए। लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाइए, लेजर क्रिएट करिए। करेंसी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे जाइए, करेंसी क्रिएट करिए। वाउचर अगर कोई क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाइए, वाउचर क्रिएट करिए। तो यहाँ पर जो ऊपर है वो अकाउंटिंग मास्टर्स है, ये चार चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग लिस्ट ऑफ मास्टर्स के अंडर में है, मास्टर क्रिएशन में, और यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप है, ये क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं, गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये फिलहाल हम लोग बाद में देखते हैं। ये जो GST रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तो यहाँ पर ये क्रिएट की स्क्रीन में फिलहाल हम लोगों को लेजर ही क्रिएट करना होगा मेन, और ग्रुप्स जब क्रिएट करना होगा तो हम देख लेंगे। अब ये सेकेंड वाला जो है वो ऑल्टर है, ऑल्टर मीन्स आपको कुछ ऑल्टरेशन करनी है। अगर आपने कुछ क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पर, फिलहाल अगर मैं लेजर में जाता हूँ तो फिलहाल सिर्फ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसका ग्रुप चेंज करना है, आप कर सकते हो, बट हमें कैश को कैश में ही रहने देना है, और ये जो कैश है वो एक करंट असेट है। अब जब हम क्रिएट कर लेंगे और उसमें कुछ गलती होगी तो हम अमेंड में जाके, ये जो ऑल्टरेशन है इसमें जाके अमेंड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक आइटम है, फिलहाल एक भी आइटम दिख नहीं रही है, तो फिलहाल हम इसमें कुछ क्रिएटेड ही नहीं है, तो इसका जो मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएट गेटवे ऑफ टैली की पहली ही स्क्रीन पर क्रिएट होता है, उसके नीचे ऑल्टर होता है, और यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट होता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट इसका जो शॉर्टकट है वो H होता है,